शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इस पावन पर्व का बेहद महत्व होता है। नवरात्रि का ये महापर्व देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि 4 सितंबर को नवमी है। मां अम्बे की आराधना के लिए ये तिथि बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में नवमी के दिन हवन किया जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना के साथ हवन करना अनिवार्य है। मान्यता है हवन के बिना नवरात्रि की पूजा संपन्न नहीं होती। तो चलिए आपको बताते हैं कि हवन में आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। नवरात्रि हवन सामग्री: हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, बताशा आदि। बता दें कि सारी हवन सामग्री तैयार होने के बाद हवन कुंड में घी, शक्कर, चावल और कपूर डालें। फिर हवन कुंड में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर 4 आम की लकड़ी रखें। फिर इसके बीच सामग्री डालने के बाद हवन कुंड में आम की लकड़ियाँ रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें पूजन कराएं। इसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।